हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 2x4 की टाइल केमिकल में कैसे लगानी चाहिए और उसमें कितना स्पेस रखना है या स्पेस रखना भी है या नहीं, तो आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों इस तरीके से आपको केमिकल आपके फ्लोर के ऊपर जो आपने मच्छर निकाला उसके ऊपर इस तरीके से केमिकल को डालना है और फिर ट्रॉवल से इस तरीके से इसको लेवल करना है। दोस्तों ये ट्रॉवल जो आपका ये 10 mm या 12 mm का होना चाहिए और इस तरीके से आपको केमिकल को बिछाना है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये खांचे वाला ट्रॉवल लेना है आपको, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का ट्रॉवल लेना और फिर केमिकल को बिछाना है दोस्तों और फिर इसके ऊपर टायर लगाएंगे। ये टायर के ऊपर आप ये सेक्शन का पाते हैं दोस्तों, ये भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के सेक्शन का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो टाइल लगाना बहुत ही आसान होगा दोस्तों, इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है टाइल के साथ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, और टाइल लगाना बहुत ही ईजी रहता है इससे। ये आपके सामने हम आप टाइल लगा कर दिखाएंगे इससे, इस तरीके से आप टाइल को फिट कीजिए, ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से टाइल फिट होती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये आप देख सकते हैं जो हमने यूज़ किए इसको टाइल लेवलर बोलते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से फिट करने होते हैं टाइल के अंदर, तो ये हम आपको करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो टाइल के अंदर बैंड होता है वो ये टाइल लेवलर दबाकर इसको सेट कर देता है और आपकी टाइल अच्छे से फिट हो जाती है। इसका आप यूज़ ज़रूर कीजिए जब भी आप टाइल लगाएं दोस्तों, क्योंकि टाइल के अंदर बैंड होता है तो इससे आप अच्छी तरीके से टाइल को लगा सकते हैं। और ये एक टाइल वाइब्रेटर है दोस्तों, इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे तो टाइल हमारी एकदम सेट लग जाएगी, कहीं से भी खाली नहीं रहेगी, इस तरीके से इसका यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं टाइल वाइब्रेटर से जब आप टाइल को लगाएंगे तो आपकी टाइल कहीं से भी खाली नहीं रहेगी और बहुत ही आसानी से आप टाइल लगा सकेंगे दोस्तों। और ये हमारी टाइल लगकर एकदम रेडी है, फिट हो गई है और हम दूसरी टाइल को फिट करेंगे। और ये जो टाइल लेवलर है दोस्तों इसको इस तरीके से फिट करना होता है, टाइल लगाने से पहले आप पहली टाइल के अंदर इसको इस तरीके से दबाकर इसको फिट कर लीजिए, ये इस तरीके से, क्योंकि अगर आप दूसरी टाइल लगाएंगे तब तो ये आसानी से लगेगा नहीं, तो इसको पहले आप लगा लीजिए दोस्तों और फिर आपको टाइल को दूसरी को फिट करना है और आपकी टाइल अच्छे से लगेगी। ये देखिए आपके सामने हम लगा कर दिखा रहे हैं और ये 3 mm का है दोस्तों, हमारा जो टाइल लेवलर है 3 mm का हमने यूज़ किया और इसके अंदर हमने 3 mm का ही स्पेस रखा है और इसके अंदर हम इपोक्सी भरेंगे। तो आप भी अगर 3 mm रखना चाहते हैं तो 3 mm, और ये 4 mm का भी आता है तो आप 4 mm का भी स्पेस रख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने हमने ये दो टाइल फिट करके आपको दिखाई है दोस्तों, पूरे फ्लोर के अंदर हमारा 3 mm का ये स्पेस है, ये स्पेसर का भी काम करता है और टाइल लेवलर का भी काम करता है, एकदम बढ़िया अच्छे से टाइल लगती है दोस्तों। फिर इसको इस तरीके से टाइट करना होता है और आपकी टाइल जो है बिल्कुल सेट हो जाती है, कोई बैंड नहीं रहता है कोने के अंदर। कई बार जब हम टाइल लगाते हैं तो कोना ऊपर नीचे होता है दोस्तों और आसानी से सेट भी नहीं होता, तो इस तरीके से टाइल लेवलर का जो इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इस टाइल को सेट कर सकेंगे और आपका जो कोना है टाइल का वो ऊपर नीचे नहीं रहेगा, बहुत ही आसान है दोस्तों इसको फिट करना और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 150 रुपये का पैकेट आता है जिसके अंदर 50 पीस होते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं हम आपको बिल्कुल बारीकी से इसको लगा कर दिखाएंगे, ये इस तरीके से इसको फिट करना, तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा टाइल के अंदर बैंड है और हम इसको टाइट कर देंगे, ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपके सामने। दोस्तों टाइल लेवलर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इससे आपकी टाइल बहुत ही आसानी से लगती है, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बैंड नहीं है इसके अंदर, अब बिल्कुल एक जैसा कोना हो गया है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए जब भी आप टाइल लगाएं, और टाइल के अंदर स्पेस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, और ताकि इसके अंदर आप इपॉक्सी भर सकते हैं
और आपका फ्लोर भी अच्छा सुंदर दिखेगा प्रॉक्सी भरने से। ये आप देख सकते हैं, हमने पूरे फ्लोर के अंदर ये 3 mm का स्पेस रखा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पूरा फ्लोर हमारा 3 mm का हमारा स्पेस है। ये दोनों काम करता है दोस्तों, टाइल लेवलर का भी और स्पेस का भी। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपका उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए हम आपको पूरा फ्लोर दिखाते हैं जो हमने लगाया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही देखने में सुंदर लगता है दोस्तों इस तरीके से जब आप फ्लोर को लगाएंगे और 3 या 4 mm का स्पेस देंगे तो इसके अंदर जब एपॉक्सी भरेंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए हमारा पूरा फ्लोर जो हमने लगाया दोस्तों रूम के अंदर है, ये बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।